वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। मैं राजेश रंजन आप लोगों को स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के बारे में समझने की कोशिश की थी। पहला वीडियो हमें मानव की उत्पत्ति और विकास के समझा था और दूसरा वीडियो जो था वो भारतीय इतिहास के बारे में समझा था कि भारतीय इतिहास कैसे प्रारंभ होता है, किनके प्रयासों के द्वारा प्रारंभ किया गया, उसे कैसे एक विषय के रूप में ढाला गया। आज हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास कितने भागों में रखा जाता है और भारतीय इतिहास को कैसे कैसे पढ़ना है। आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास के पूरा समय काल जो है वो है 5 लाख बीसी से प्रारंभ होता है और 1947 एडी तक आता है। ये पूरे साल का इतिहास हम लोग भारतीय इतिहास के अंदर में पढ़ते हैं। इस पूरे समय कालखंड को इस इतिहास के रूप में पढ़ा जाता है। लेकिन अभी आधुनिक भारत में एक नया और इसमें जोड़ दिया गया, वो है 1947 से 1965। ये जो है करीब करीब 20 साल या 18-17 साल का जो ये ईयर है, ये इसमें नया ऐड कर दिया गया है क्योंकि अब इससे भी नया सवाल आ रहा है भारतीय इतिहास में। इसलिए हमें ये भी पढ़ना होगा। जब हम लोग 1947 तक हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, आफ्टर देन हम लोग इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास को कितने भागों में रखा गया है। भारतीय इतिहास 3 भागों में रखते हैं भारतीय इतिहास को। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, इंडिया। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अलावा मैंने बताया कि एक नया इतिहास जोड़ दिया गया है 1947 से आफ्टर फ्रीडम या स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास 1947-1965 तक, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास जो है इसका समय काल रखा जाता है 5 लाख बीसी से 715 एडी तक और मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी 2 भागों में रखते हैं। एक कहलाता है पूर्व मध्यकालीन और एक कहलाता है मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का जो ईयर डेट है, जिस डेट जिस ईयर के बिटवीन रखा जाता है 715 पूर्व मध्यकालीन 715 एडी से 1206 और मध्यकालीन को रखा जाता है 1206 से 1707।
आधुनिक भारत को रखा जाता है 1707 ईस्वी से 1947 तक। ठीक है, तो भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को समझेंगे। चूंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग इसे धीरे धीरे आराम से तोड़ते हुए एक एक सब्जेक्ट को समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास को समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आज हम उसे देख लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में रखा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि हम इतिहास को तोड़ तोड़ के एक एक करके समझेंगे, ताकि क्वेश्चन जो भी आते हैं एंशियंट हिस्ट्री में वो बन जाए, उस पर कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आसान है, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि आप पढ़ेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, इसलिए हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं हो। तो ये देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को भी तीन भागों में रखते हैं। पहला भाग है प्रागैतिहासिक, दूसरा भाग कहलाता है आद्य इतिहास, और तीसरा भाग कहलाता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का एज पीरियड है 5 लाख BC से लेकर 2500 BC। आद्य ऐतिहासिक काल का है 2500 BC से लेकर 600 BC, कहीं कहीं 2400 मिलता है, कहीं कहीं से 2400 तक भी रखा जाता है। डेट पे ज्यादा नहीं जाना है, तिथि पे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये तिथि से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि तिथि अभी तक एंशियंट हिस्ट्री में प्रमाणित नहीं हो पाया है, कुछ अगर ईयर को छोड़ दिया जाए तो। इसलिए हम लोग तिथि पर ध्यान नहीं देंगे, एक मानकर चलिए कि इन लोगों की इस ईयर के बीच में ही ये घटना हुई थी। ऐतिहासिक काल आता है 600 BC और यहां आता है 715 AD। आइए प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, आपको आप लोगों को याद होगा, प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में रखते हैं। मैं सिर्फ ट्री बना रहा हूं, एक वृक्ष की तरह मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में रखते हैं, पाषाण काल ताम्र पाषाण काल ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी पीरियड आती है। पाषाण काल को भी हम लोग समझते जाइए कैसे कैसे ये हो रहा है। ये इसका एज पीरियड है 5 लाख BC से 1000 BC और इसका पीरियड है
2200 से लेके 700 बीसी, कहीं कहीं ये 1800 मिलता है, कहीं ये 1200 मिलता है। मतलब कि ये जो काल है ये अभी तक विवादित है कि इसके एज का क्या निर्धारण किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के तौर पे ये हड़प्पा से पीछे आता है, लेकिन समय काल से ये हड़प्पा के बाद आता है। क्या मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है ये। पाषाण काल को देखते जाइए, तीन भागों में रखते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। इसका एज पीरियड है बीसी से 10,000 बीसी, 10,000 से 8,000, कहीं कहीं 6,000 है, ये है 6,000, कहीं कहीं 8,000 बिहार से ही प्रारंभ होता है 1,000 तक बीसी, ठीक है। पूर्व पाषाण काल को भी हम तीन भागों में रखते हैं, एक एक करके मैं स्पष्ट समझा दूंगा, अभी आप एक वृक्ष की तरह समझ लीजिए। पूर्व पाषाण काल को भी तीन भागों में रखते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। इसे निम्न पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है, इसे मध्य पूरा पाषाण और इसे उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में दो तरह के उपकरण पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एज एज इसका कर लेते हैं पहले, इसका एज है 5,00,000 बीसी से 50,000, कहीं कहीं 40,000 भी मिलता है। इसका एज है 50,000, ये जो भी है सब मैं बीसी में बता रहा हूं, इसलिए मैं बीसी कहीं कहीं छोड़ दे रहा हूं, बिफोर क्राइस्ट ईसा के पहले 50,000 10,000 बीसी तक। पूरा पाषाण काल में दो तरह के उपकरण पाए गए हैं। पहला उपकरण जो है वो कहलाता है चॉपर चापिंग, चॉपर चापिंग टेबल। और दूसरा जो उपकरण है वो कहलाता है हैंडेक्स, हैंडेक्स एवं क्लीवर, ठीक है। इसे हम लोग सोहन संस्कृति भी कहते हैं, और इसे हम लोग मद्रासीय संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में इस एज को हम लोग कहते हैं फलक संस्कृति, और उच्च पूरा पाषाण काल को कहते हैं, इसे मध्य पूरा पाषाण काल तो कहते ही है, इस काल को हम फलक संस्कृति का काल भी कहते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल को हम लोग ब्लेड संस्कृति का काल भी कहते हैं, ब्लेड संस्कृति। क्यों कहते हैं, इनका नामकरण क्यों हुआ, जब मैं चर्चा जब होने लगेगा, जब मैं बताने लगूंगा तो उसमें
स्पष्ट कर दूंगा। पहले एक मोटा मोटी आप लोग ट्री समझ लीजिए एंशियंट हिस्ट्री में कैसे कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, ये हो गया। अब मध्य पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पाषाण काल को हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ। इस एज को हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, माइक्रोलिथ एज या काल, ठीक है। और नवपाषाण काल तो खैर डेवलपमेंट का काल आ ही गया था, होमो सेपियंस का ये उदय हो गया था, होमो सेपियंस ने आग की खोज कर ली थी, खेती प्रारंभ कर दिया था, पशुपालन प्रारंभ हो गया था, पॉट वगैरह बनने लगे थे, एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया था, समाज को डेवलप कर लिया था, लोग एक साथ रहने लगे थे। तो नवपाषाण काल तो खैर हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसके, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग ताम्रपाषाण काल पे। पहला जोरवे संस्कृति, राजस्थान, सोथी राजस्थान, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल में इसके अलावा और भी संस्कृतियां हैं, जैसे कि एक है गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, दैवाबाद, बारा अहमदनगर। लेकिन हमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है या जिससे क्वेश्चन आता है वो है पहला जोरवे संस्कृति, दूसरा आहार संस्कृति, तीसरा कायथा संस्कृति और पांचवा मालवा संस्कृति। इन चार संस्कृतियों से क्वेश्चंस बनते हैं और बाकी जो है ये आपको कभी जेआरएफ वगैरह में पूछ देगा, नेट वगैरह में पूछ देगा, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन जनरली हमें चार संस्कृतियों पर ध्यान देना है, मैं चार संस्कृतियों के बारे में अच्छे से बताऊंगा, बाकी मैं डिस्कस कर दूंगा। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में ये जोरवे संस्कृति होता है। आहार और बनास संस्कृति राजस्थान में था, ये तांबा वाला क्षेत्र था, इसे तांबवती भी कहा जाता था। कायथा और एरण मध्य प्रदेश पे था, मालवा के जगह पे नर्मदा घाटी के नीचे था, ये सवालदा जो था ये भी नर्मदा घाटी के अंदर में था महाराष्ट्र में, मालवा संस्कृति था ये भी नर्मदा घाटी के क्षेत्र में था और यहाँ के मृदभांड सबसे उत्कृष्ट माने गए थे। प्रभास संस्कृति ये गुजरात में था, रंगपुर भी गुजरात में था, चिराज संस्कृति बिहार में था। इसकी स्पेशलाइजेशन ये था कि यहाँ पे तांबे का भी यूज, सुइया वगैरह और हड्डी के भी कुछ औजार मिले हैं, नवपाषाण कालीन भी कुछ यहाँ से मिलता है। सोथी राजस्थान ये भी एक है, ये कभी कभी इसके साथ हड़प्पा सभ्यता को भी जोड़ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट का कारण ये रहा होगा। खैर मैं आगे बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता जब डिस्क्राइब करने लगूंगा एक एक चीज तो मैं क्लियर कर दूंगा। गणेश्वर संस्कृति भी राजस्थान में रहा, दैमाबाद जो था ये भी नर्मदा घाटी के नीचे था और यहाँ पे कांस्य की वस्तु के लिए फेमस था, ये भी एक संस्कृति था और अहमदनगर भी एक संस्कृति था। अब हम लोग आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे। आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग भी देख लेते हैं कैसे है। काली पालिश वाले मृदभांड, इसका एज करीब करीब 500 बीसी से लेकर 100 बीसी तक का माना जाता है, ठीक है। ये द्वितीय नगरीकरण काल का ये मृदभांड था, द्वितीय नगरीकरण जब होता है इंडिया में उस समय का मृदभांड था, ठीक है। कंफ्यूज मत हुई कि कौन सा क्या बोल रहा हूं मैं, क्या नहीं, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अभी आप सिर्फ ट्री देखिए। आद्य ऐतिहासिक काल जो है इस काल खंड को हम लोग रखते हैं 2500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। आद्य ऐतिहासिक काल में हम तीन संस्कृतियों को रखते हैं, ठीक है। ये संस्कृति जो है मृदभांड संस्कृति, ये आद्य ऐतिहासिक काल में भी है, प्राग ऐतिहासिक काल में भी है और ऐतिहासिक काल में भी है, लेकिन हम लोग इसे आद्य ऐतिहासिक काल के खंड में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सिविलाइजेशन ये भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिंधु और उसके आसपास के नदियों के सहायक नदियों पे ये सभ्यता का विकास हुआ था। इसकी आयु 2350 से 1750 बीसी के आसपास है। ये कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये एज निकाला गया है। ठीक है, अब आते हैं वैदिक सभ्यता को। इसके बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता का एज 1500 बीसी से 600 बीसी है। इस वैदिक सभ्यता में भी हम इस वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में रखते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का समय काल 1500 से 1000 बीसी में है, उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 बीसी में है। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में बाकी के सभी ग्रंथों, वेद, जितने भी बाकी के वेद रहे, ब्राह्मण है, अरण्यक, उपनिषद जो भी है, सब इस काल में रचना होती है। ठीक है, अब आते हैं मृदभांड संस्कृति पे। मृदभांड संस्कृति जो थी वो इंडिया में चार जगहों पे चली, इसलिए चार तरह की मृदभांड चली, इसलिए हम लोग चार तरह के मृदभांड संस्कृति को पढ़ते हैं। जब इतिहास प्रारंभ में लिखा जा रहा था और जब इस तरह के मृदभांड निकलने लगे और शिशु के तौर पे, तो इस पे वैल्यू नहीं दिया गया, इस मृदभांड का वैल्यू नहीं किया गया कि अरे कुछ ऐसे ही होगा। बाद में चलकर मिस्र में एक उत्खनन करता है, एक पुरातत्वविद थे फील्डर पेट्री ने सबसे पहले मृदभांड को इतिहास के साथ जोड़ा और इसका महत्व समझाया। फिर जाके बीबी लाल 1949 में गेरुए चित्रित संस्कृति मृदभांड के बारे में पता लगाते हैं। ये काला एवं लाल मृदभांड संस्कृति, ये जितनी भी संस्कृतियां है सॉरी ये जितनी भी संस्कृतियां है ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पैदा हुए थे। उस समय कुछ संस्कृतियों में चल रहे थे और उत्तरी कालीपाली जो है ये करीब करीब पूरे उत्तरी भारत में चल रहा था। मौर्योगीन काल में भी ये चल रहा था। अब आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल को। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हम अब यहाँ पे भारत की राजनीतिक इतिहास को समझेंगे। राजपूतों के उदय के साथ ही मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ साथ इस्लाम के आक्रमण को भी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रारंभिक काल मानते हैं। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे हो गया प्रागैतिहासिक, हो गया आद्य ऐतिहासिक, हो गया अब ऐतिहासिक काल देखते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल को हम लोग 600 से 715 एडी के बीच में रखते हैं। ऐतिहासिक काल को हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। अब यहां देखिए, उत्तरी भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास, इसे कैसे बांटा गया। तो भारत में आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, एक नर्मदा नदी है। ठीक, आप जियोग्राफी में पढ़ने को मिलेगा आपको। ये मान लीजिए मैं भारत का मैप रखता हूं, यहां से एक नर्मदा नदी बहती है जो जाकर अरब सागर में गिरती है। ये नर्मदा नदी को माना जाता है कि इस उत्तर भारत को अलग करता है और दक्षिण भारत को अलग करता है। मतलब कि नर्मदा के ऊपर का जो इतिहास है वो उत्तरी भारत का इतिहास कहलाता है और नर्मदा के नीचे का जो इतिहास है वो दक्षिण भारत का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उत्तरी भारत का इतिहास प्रारंभ होता है महाजन पद के उदय के साथ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे हम लोग, इसमें बताऊंगा मैं, वैदिक सभ्यता में जन का उदय होता है, उत्तर वैदिक में जनपद का, और ठीक 600 बीसी के आसपास में जनपद बढ़ के बन जाता है महाजन पद का। महाजन पद के उदय के साथ ही हिंदुओं में एक कट्टरता आ गई थी, वेदों का एक बहुत ही प्रचलन बहुत बढ़ गया था, यज्ञ बढ़ गए थे, पशु बलि बढ़ गया था, इसी के खिलाफ ये धार्मिक आंदोलन होता है। धार्मिक आंदोलन में कितने आंदोलन थे, कौन कौन नया नया धर्म जोड़ा गया, मैं बताऊंगा। इसमें 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, लेकिन मुख्यतः हम सिर्फ बौद्ध और जैन के बारे में समझेंगे। उसके बाद मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। मगध राज्य के उत्कर्ष के साथ ही भारत एकता के रूप में आता है, राजनीतिक संगठन के रूप में आता है और एक कैपिटल से पूरे भारत का शासन चलता है। आइए देखते हैं। उसके बाद आता है हर्यक वंश 544 से 412 बीसी। ये उसके बाद शिशुनाग वंश
उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन। सातवाहन के बाद या उसके पहले ही शुंग वंश के समय भारत पे विदेशियों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसी समय शुंग वंश के समय ही भारत पे भारतीय यूनानियों का पहला आक्रमण हुआ। ये समकालीन चल रहा है, मतलब कि ये शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश ये तीनों चल रहे हैं भारत के इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये भारतीय यूनानी सब पल्लव और कुषाण भारतीय यूनानी आते हैं, पहले यहां पे अधिकार करते हैं, भारतीय यूनानी को हटाकर शक आते हैं और फिर यहाँ पे कब्जा करते हैं, फिर शक के बाद पल्लव आते हैं जो शकों को खदेड़ देते हैं और शक इस साइड में आ जाते हैं और पल्लव यहाँ पे शासन करते हैं, फिर पल्लव के बाद कुषाण आते हैं, पल्लवों को हटाकर कुषाण यहाँ पे शासन करते हैं, और ये शक जो है ये लास्ट गुप्त वंश तक शासन करता है। मैं बताऊंगा जब गुप्त वंश में आ जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसी गुप्त शक शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय हराता है। ठीक है, सॉरी। फिर इनके कुषाण वंशों के बाद भारत में राजनीति की एकता समाप्त होने लगती है, भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगता है, छोटे छोटे राज्य उदय हो जाते हैं, छोटे छोटे राजाओं की महत्ता बढ़ती जाती है, इसलिए मैंने लिखा है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बाद गुप्त वंश का उदय होता है, फिर से भारत एक राजनीतिक एकता के सूत्र में आता है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के अंडर में। उसके बाद इनके गुप्त वंशों के अंत के साथ ही फिर से क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, फिर से क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बाद हर्षवर्धन एक शासक बनता है मौखरी वंश का, जो फिर से उत्तरी भारत को मतलब कि ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर से फिर से भारत को एक करता है। ठीक है, फिर उसके हर्षवर्धन के मरने के साथ ही फिर से साम्राज्य जो है क्षेत्रीय राज्यों में बढ़ जाता है, छोटे 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 राज्य हर एक जगह उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद फिर राजपूतों का उदय होता है और राजपूतों के उदय के साथ ही मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। ठीक, जैसे उत्तरी भारत का इतिहास है वैसे ही इसी समय काल में दक्षिण भारत का भी इतिहास चलता है। दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो स्टार्ट होता है संगम वंश, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैंने महापाषाण संस्कृति लिखा है, लेकिन इसके दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो संगम वंश से स्टार्ट होता है। मैंने महापाषाण संस्कृति इसलिए लिख दिया कि दक्षिण भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी एक उस समय का अलग से एक विशेष प्रकार का कल्चर था, जो न ताम्रपाषाण में आता था न स्टोन एज में आता था, ये अलग प्रकार की कल्चर थी, इसलिए हम लोग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले महापाषाण, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संगम वंश। संगम वंश से भारतीय इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। संगम वंश में हम लोग पढ़ेंगे तीन शासकों के बारे में, चेर, चोल और पांडे के बारे में। उसके बाद हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि सातवाहन मैंने दक्षिण भारत के इतिहास में भी लिखा है और उत्तर भारत के भी इतिहास में लिखा है। सातवाहन शासक जो थे एक्चुअली में ये लोग शासन करते थे गौर की ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए भारत का मैप है। ठीक है, तो सातवाहन जो शासन करते थे ऐसे शासन करते थे, मतलब पाटलिपुत्रा इनके अंडर में था लेकिन इनका मुख्य क्षेत्र जो था वो दक्षिण भारत था, इसलिए हम लोग उत्तर भारत के भी इतिहास में इसे पढ़ते हैं और दक्षिण भारत के भी इतिहास में पढ़ते हैं। सातवाहनों के बाद वाकाटक का साम्राज्य आता है, वाकाटक के बाद वातापी के चालुक्यों का उदय होता है। कुछ दिनों के बाद वातापी के चालुक्य जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक कल्याणी का चालुक्य, एक कल्याणी का चालुक्य कल्याणी और एक बेंगी, ये दो अलग अलग वातापी के चालुक्य जो है वो दो अलग अलग राज्यों में बढ़ते हैं। बेंगी अपना शासन यहां चलाता है और कल्याणी यहां पे चलाता है। आगे हम देखेंगे कल्याणी पे ही राष्ट्रकूटों का अधिकार होता है और बेंगी को धीरे धीरे वो भी जीत लेते हैं। खैर, तो इसी के समय इन्हीं चालुक्यों के समय ही
कांची के पल्लव का राजवंश भी चल रहा था। कांची के जो पल्लव थे वो यहां पे शासन करते थे। कांची के पल्लव यहां पे शासन करते थे। कांची के पल्लव के साथ ही ये दोनों तीनों जो है ये समानांतर चल रहे थे। कल्याणी के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट गद्दी पर आते हैं और राष्ट्रकूटों के साथ साथ ही राजपूतों का उदय होता है और फिर से यहाँ हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देख लिए कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, पाषाण काल से। ठीक है, पाषाण काल को पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, मृदवान संस्कृति पढ़ेंगे और फिर ऐतिहासिक काल में आकर इस तरह से हम लोग क्रमवाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।